दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर फोन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ सबसे जुड़ी हर तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सुना दूं? सुनाऊं? इजाजत है? वो क्या था, थोड़ा कहानी को पॉजिटिव लेना। ऐसी ही क्या था, एक की बीवी की डिलीवरी होने वाली थी और उसने डॉक्टर को फोन किया, बोला वो मैडम की डिलीवरी होगी, डॉक्टर साहब जल्दी आओ। तो डॉक्टर साहब आ गए, बोला किधर है मैडम? बोला रूम में। बोला ठीक है। डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर लिया और रूम में खटर पटर सोनी शुरू हो गई। हस्बैंड बाहर बैठा है। अभी करीब 15 मिनट के बाद में डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में हथौड़ी है क्या? बोला हथौड़ी क्या करेगा? बोला तू जल्दी दे। और भाग के गया, हथौड़ी लाके दे दी। अभी थोड़ी देर ठुक पट्टी हुई रूम में, फिर थोड़ी देर के बाद में 15 मिनट बाद फिर डॉक्टर साहब का मुंडी बाहर आई। बोला तेरे घर में आरी है क्या? बोला यार आरी से बच्चे का क्या लेना देना। बोला तू आरी ला जल्दी। अभी उसने आरी ला के दे दी। अभी थोड़ी देर पीछे फिर खटर पटर हो रही है और कई 15 मिनट पीछे फिर डॉक्टर साहब की मुंडी बाहर आती है। बोला तेरे घर में पत्थर है क्या? अभी बंदे को गुस्सा आ गया। बोला यार तू डॉक्टर डिलीवरी कर रहा है? बोला साला इधर आ ली, फिर से क्या कर रहा है? बोला डिलीवरी तब करूंगा ना मैं जिसमें सामान रखा वो पेटी नहीं खुल रही है मेरी। साला डायमंड का जब बनाइए ये ढक्कन नहीं खुलता है, ये ढक्कन नहीं खुलता है। एमराल्ड बन रहे हैं, पर्ल बन रहे हैं, हर चीज हो रही है, डायमंड बन रहे हैं, फिर भी साला ढक्कन बंद। ट्रेनिंग में आ जाएगा, फंक्शन में आ जाएगा। अभी तो मुझे बच्चा पढ़ाना है, 2 महीने बाद काम करूंगा, 4 महीने बाद काम करूंगा, 6 महीने बाद काम करूंगा। साला अगले जन्म में करोड़पति बनेगा क्या तू? कब बनेगा? उस वाला हिसाब कर रखा है कि कील पर कुत्ता बैठ गया, कील निकली हुई थी, कुत्ता बैठ गया, साले के गड़ गई। अभी बैठा बैठा कर रहा है कू कू। पड़ोसी आ गया, बोला यार ये कुत्ता करा क्यों रहा है? बोला साला कील पे बैठ गया। बोला खड़ा नहीं हो सकता? बोला खड़ा होने में और ज्यादा दर्द होता है। बैठे बैठे कुई कुई कर रहे साले, ये गवर्नमेंट खराब, वो गवर्नमेंट खराब, वो फलानी खराब, ये महंगाई आ गई, वो महंगाई आ गई। अरे एक बार खड़ा हो सेफ शॉप में, क्या बिगाड़ेगी तेरी महंगाई, क्या बिगाड़ेगी गवर्नमेंट तेरा? एक बार खड़ा हो। अगर मैं 52 साल का आदमी साला खड़ा हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? मैं गांव से निकल के खड़ा हो सकता हूं तो तुम क्यों नहीं खड़े हो सकते? साला 6 बार में फेल हुआ आदमी, 36 बार फेल हुआ, पढ़ाई के नाम पर 0, बावजूद साला सेफ शॉप में क्राउन, क्राउन। थैंक यू। थोड़ा सा कष्ट आया, नानी मर गई। 4 लोगों ने मना कर दिया तो नानी मर गई। ऐसा होता है कि नहीं होता? कर लिए को कुछ नहीं होना चाहिए, करोड़पति बन जाने चाहिए। ज्वाइन हुए नहीं, अप्लाई इनकी खोपड़ी खा जाते, चेक चेक। मैं बोलता हूं बोला साला तेरे जो बच्चा हो ना वो तनख्वाह लेके आएगा, सैलरी लेके आएगा। बेटी कितने लोगों के पास है? बहुतों के पास है, मेरे पास भी है।
लड़की जब शादी के लिए हो जाती है तो लड़का देखने जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? जाना पड़ता है। अगर एक जगह तुम लड़का देखने गए और बात नहीं बनी तो क्या लगता है दूसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। वहां भी बात नहीं बनी तो तीसरी जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? वहां भी बात नहीं बनी तो चौथी जगह जाना पड़ेगा दोस्त की, नहीं जाना पड़ेगा? अगर लड़की की बात शादी करनी है तो साला 50 लड़का देखने के बावजूद भी बात नहीं बनी तो 51वीं जगह जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा हाँ कि ना? तो करोड़पति अगर बनना है, अगर 10 लोगों ने मना कर दिया तो 11वें को प्लान दिखाना पड़ेगा दोस्त, दिखाना पड़ेगा। मैं जब तक प्लान दिखाता रहूंगा, मैं जब तक प्लान दिखाता रहूंगा कि जब तक साला मैं दुनिया में नाम रोशन न कर जाऊं, ना हारूंगा, ना थकूंगा, ना बैठूंगा। क्या प्लान दिखा सकते? दिखा सकते? दिखा सकते? ट्रेनिंग में आ सकते? फंक्शन में आ सकते? एक बार दुनिया को दिखा सकते हैं? आई में साला ठोक के दुनिया को बताना, आई में डायमंड। जब भी कोई नेगेटिव आदमी मिले उसका एक ही जवाब है, बस असली बाप का बेटा हूं तो डायमंड बन के दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही जवाब। क्यों बहुत सिरफिरे मिले इस सफर में मुझे, अभी तो साला कोई सिरफिरा मेरे से मिलता ही नहीं है। सबको पता है यार 11,000 को पकड़ने का मतलब है, 11,000 को पकड़ने का मतलब या तो जल जाएंगे और जिंदा रहेंगे तो फिर 15,000 देने पड़ेंगे। अभी इधर अभी तो कोई सिरफिरा मिलता ही नहीं है। बहुत सिरफिरे मिले बोला तू डायमंड बन जाए तब मिले ना। कोई बोलता सऊदी में चली जाएगी, कोई कुछ पता नहीं, मुझे याद भी नहीं रहा। पर मैं एक बात जरूर बोला करता था उससे, वो डीडी दे या ना दे, मेरे साथ आए या ना आए, मैं उसको एक बात जरूर बोल के जाता, कोई बात नहीं है दोस्त, मिलेंगे 3 साल बाद मिलेंगे और डायमंड बन के मिलेंगे, तेरे को मिलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। थैंक यू। तो क्या आप वायदा कर सकते हैं जब तक डायमंड नहीं बनेंगे हटेंगे नहीं? जब तक खानदान का इतिहास नहीं लिख देंगे डटे रहेंगे मैदान में? योद्धा साला वही होता है कि जो मैदान में डटा रहता है, कायर उसको बोलते हैं जो मैदान छोड़ के भाग जाता है। थैंक यू। साला तुम्हारी योद्धाओं की सीधा ताली ही नहीं है यार, योद्धा बनोगे क्या घंटा? तैयार है? वादा करते हैं? दो से 5 साल तक खड़े रहेंगे, लोगों में खड़े रहेंगे, प्लान दिखाते रहेंगे। सीट से खड़े हो यार, देख लेना भाई महागुरु जी बैठे इधर, झूठा मत बनवा देना। तैयार हो? मैंने आज तक जो भी साला बोला है करके दिखाया। मैं एक ही बात बोला करता हूं, मर्द के जबान होती है साली, जिसकी जबान एक आगे तुम समझदार हो साला उसका बाप एक। तैयार है? मेरे साथ बोलेंगे, वादा करेंगे, आई मैन विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।